अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है डियर स्पेशल और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ घर में बना हुआ टोनर जो कि आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा। सुपर ऑयली स्किन हो, कॉम्बिनेशन हो, ऑयल ड्राई हो, किसी भी किस्म की स्किन हो, इसके लिए हमें चाहिए एक कप पानी। उसमें हम एक चम्मच फेनल सीड्स मतलब सौंफ का डालेंगे। अब हम इस पानी को अच्छे से पकाएंगे ताकि सौंफ अपना पानी छोड़ दे। और अब हम इसमें एक एलोवेरा का टुकड़ा डालेंगे। एलोवेरा का टुकड़ा डाल के इसको हम अच्छे से 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये इसमें हल हो जाए। इसमें इसको हमने हल करना है एलोवेरा को, इसके ताकि इसके सारे जो फ़ायदे हैं इसी पानी में आ जाएं। इसको अच्छी तरह हम हल करेंगे सौंफ को और एलोवेरा के टुकड़े को इस पानी में पकाएंगे 2 से 3 मिनट पकाने 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हमारा मतलूबा पानी तैयार हो जाएगा जिसको हम टोनर बनाएंगे। अब ये पानी तैयार हो रहा है तकरीबन, इसको अब हम थोड़ी सी देर 1 से 2 सेकंड अच्छी तरह पका लेंगे। इसको अच्छे से चम्मच से हिला रही हूँ, अपने इस तरह हिलाते रहना है ताकि सौंफ ऊपर नीचे हो जाए। अभी हम पानी को छान लेंगे। छानने के बाद ये इस तरह का नज़र आएगा। ये है सौंफ और एलोवेरा का पानी, इसको हमने अच्छी तरह पका लिया है। इसको पका के हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसको इसमें अब हमने 1 चम्मच लेमन जूस का ऐड किया है और अब हम इसमें 1 चम्मच हनी ऐड करेंगे। इसमें हमने 1 चम्मच हनी ऐड किया। अब हनी ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपकी स्किन पे कोई ख़ारिश, कोई एलर्जी, कोई स्किन एलर्जी हो जाती है सन बर्न की वजह से, तेज़ धूप की वजह से खुरदरापन आ जाता है या रंगत आपकी डार्क हो जाती है, क्योंकि शहद एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है और इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में मॉइस्चराइज़र प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से स्किन आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है और आपकी सन टैन की वजह से स्किन ख़राब हुई जो स्किन होती है उसको दोबारा से फ्रेश करता है, आपकी स्किन को फ्रेश करता है। अब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 6 से 7 दिन इसको बना के आप बॉटल में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। इससे ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते और फ्रिज के बाहर मत रखिएगा। अगर आप बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, इसमें जाले से बन जाएगी और ये तकरीबन इसकी स्मेल ख़राब हो जाएगी, फिर ये आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे आप अगर फ्रिज में रखते हैं तो फिर आप 5 से 7 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन, कम से कम 5 दिन और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसको फ्रेश रखना है तो आप इसको अगर आप इसको बहुत फ्रेश रखें तो आप रोज़ भी बना सकते हैं, जो कि आप बिल्कुल और हरगिज़ नहीं कर सकते। और इसलिए आप इसको रोज़ नहीं बना सकते, फ्रेश नहीं बना सकते, तो लिहाजा आप इसको बनाएं और बना के अच्छे बच्चों की तरह फ्रिज में रख दें ताकि आप इसको रोज़ यूज़ कर सकें और अपने इसके आप अच्छे बेनिफिट्स हासिल कर सकें। इसको मैंने डालने के लिए ताकि मुझे अच्छा अच्छा फील हो देख के इस बॉटल को, इसमें मैंने गुलाब की पत्तियाँ डाली हैं और इसको गुलाब की पत्तियाँ डाल के मैंने इस बॉटल को उस टोनर से भर लिया है। इससे अब इसको स्प्रे कर रही हूँ मैं। आप देखें कि इतनी अच्छी सी खुशबू है, इसको लगाने के बाद बहुत अच्छा फील होता है। फेनल सीड्स सौंफ जो है इसको बता एंटी बैक्टीरियल होता है ये भी, और कोई भी कोई किसी भी किस्म का रिएक्शन हो आपके फेस पे, पिंपल्स हो जाएं, या आपसे ऑयल कंट्रोल ना हो रहा हो आपकी स्किन पे, और ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ ऑयली स्किन पे ही ये यूज़ कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको ड्राई स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं। हनी होने की वजह से इसमें आपको ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज आपकी स्किन को करेगा, डीपली मॉइस्चराइज करेगा, और एलोवेरा होने की वजह से ये आपके कलर को ब्राइट करेगा, आपका कलर लाइटिंग करेगा, और इसमें जो हमने लेमन डाला है वो भी आपकी स्किन को लाइटनिंग टोन देगा और ये आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेश कर देगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।